आपको भले यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं, जम जाना या अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना, जलाकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन। जाहिर है, यदि जीवन को ऐसा भीषण खतरा पैदा हो तब भी पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन का अस्तित्व खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया के खत्म होने की आशंका तो है ही, शायद पूरी पृथ्वी बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी। कब तक रहेगा पृथ्वी पर जीवन? चलिए दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं पर एक नज़र डालें। एक हालिया प्रयोग के अनुसार मंगल और बृहस्पति के बीच मंडराता हुआ एक स्थलीय ग्रह पृथ्वी को सौरमंडल से बाहर धकेल सकता है तथा इस ग्रह पर जीवन को समाप्त कर सकता है। यूसी रिवरसाइड प्रयोग के अनुसार मंगल और बृहस्पति के बीच मंडराता हुआ कोई स्थलीय ग्रह पृथ्वी को सौरमंडल से बाहर धकेल सकता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो सकता है। यूसीआर के खगोल शास्त्री स्टीफन केन ने बताया कि उनके प्रयोग का उद्देश्य ग्रह विज्ञान में दो उल्लेखनीय खामियों को दूर करना था। पहला अंतर हमारे सौर मंडल में स्थलीय और विशाल गैस ग्रहों के आकार के बीच है। सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह पृथ्वी है और सबसे छोटा गैस विशाल ग्रह नेपच्यून है, जो पृथ्वी से 4 गुना बड़ा और 17 गुना अधिक विशाल है। बीच में कुछ भी नहीं है। केन ने कहा कि अन्य तारा पर्वत में उस अंतराल में द्रव्यमान वाले कई ग्रह हैं। हम उन्हें सुपर अर्थ कहते हैं। दूसरा अंतर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य के सापेक्ष स्थान में है। उन्होंने कहा कि ग्रह वैज्ञानिक अक्सर चाहते हैं कि इन दो ग्रहों के बीच कुछ हो। ऐसा लगता है कि यह घटिया संपत्ति है। ये हमारे सौर मंडल की संरचना और पृथ्वी के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। उन्हें भरने के लिए केन ने मंगल और बृहस्पति के बीच अलग अलग द्रव्यमान वाले एक ग्रह की गति का कंप्यूटर सिमुलेशन चलाया और फिर अन्य सभी ग्रहों की तीव्रता पर पड़ने वाले प्रभावों का अवलोकन किया। प्लेनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित परिणाम सौरमंडल के लिए अधिकतर विनाशकारी थे। केन ने कहा कि यह काल्पनिक ग्रह बृहस्पति को एक ऐसा झटका देता है जो बाकी सबको अस्थिर करने के लिए पर्याप्त है। यद्यपि कई खगोलविदों ने इस अतिरिक्त ग्रह की कामना की है, लेकिन यह अच्छी बात है कि हमारे पास यह नहीं है। बृहस्पति सभी अन्य ग्रहों से बहुत बड़ा है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत गहरा है। यदि हमारे सौर मंडल में कोई सुपरअर्थ, कोई गुजरता हुआ तारा या कोई अन्य खगोलीय पिंड बृहस्पति को थोड़ा भी परेशान करता है तो अन्य सभी ग्रह बहुत प्रभावित होंगे। सुपरअर्थ के द्रव्यमान और सटीक स्थान के आधार पर इसकी उपस्थिति अंतः बुध और शुक्र के साथ साथ पृथ्वी को भी सौरमंडल से बाहर निकाल सकती है। यह यूरेनस और नेपच्यून की कक्षाओं को भी अस्थिर कर सकता है तथा उन्हें भी बाहरी अंतरिक्ष में फेंक सकता है। सुपरअर्थ पृथ्वी की कक्षा के आकार को बदल देगा, जिससे यह आज की तुलना में कहीं कम रहने योग्य हो जाएगी या फिर जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, पृथ्वी के साथ साथ अन्य सभी ग्रह बंजर भूमि में तब्दील हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।